पूरी तरह से विरोध करेंगे। और नीतीश कुमार को हम एक वर्ड से कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी हमारे एक बंधु ने आवाज़ लगाया कि सर ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में कुछ बोलिए, तो उस दिन वो बोले कि मैं विभाग में देख पाता हूँ, आज बोल दिए कि मैं समीक्षा करता हूँ। साहब कब तक आप समीक्षा और विभाग में देखवाते रहिएगा? यही समीक्षा से हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम लोग को नोटिफिकेशन जारी करें, हम लोग तभी गर्दनी बाग छोड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं संकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सकों ने राजद प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात हुई और जगदानंद सिंह ने आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों का यह जो धरना है ये पिछले 30 सितंबर 2023 से चल रहा है। और अब जब इन्होंने राजद प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, जगदानंद सिंह से आश्वासन मिला, तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है। क्या कुछ बातें हुई है, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते कि क्या बातें हुई, ये बताइए कि अभी दो दिनों पहले आप लोगों ने राजद प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, जगदानंद सिंह से मुलाकात हुई, और अब आप लोगों की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, क्या बातें हुई है? तेजस्वी जी को हम लोगों ने मांग पत्र दिया, उन्होंने बोले हम समीक्षा करते हैं। कुछ ही दिन पहले जगदेव बाबू के स्मृति समारोह आरजेडी कार्यालय में मनाया जा रहा था, वहाँ भी हम लोगों ने पहुँचे थे, वहाँ भी हमारे एक बंधु ने आवाज़ लगाया कि सर ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में कुछ बोलिए, तो उस दिन वो बोले कि मैं विभाग में देख पाता हूँ, आज बोल दिए कि मैं समीक्षा करता हूँ। साहब कब तक आप समीक्षा और विभाग में देखवाते रहिएगा, इसका अंतिम रूप दीजिए। हम लोगों ने आज 38 दिन हो गया पटना के गर्दनी बाग में बैठे बैठे, कोई नहीं हम लोग के शुद्धि बुद्धि लेने के लिए आया, तब हम लोग ने आरजेडी कार्यालय का घेराव करने का काम किया। फायदा मिला ना? फायदा क्या मिला, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, समीक्षा से हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम लोग को संतुष्टि तभी मिलेगा जब नोटिफिकेशन निकलेगा। इसलिए मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर ग्रामीण 6 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को आपको खुश करने की जरूरत है तो नोटिफिकेशन निकाल कर आइए, तभी आपके साथ ग्रामीण चिकित्सक लोकसभा विधानसभा में देंगे। ये बताइए कि तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे, मैनिफेस्टो में कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया था, अब जब सरकार में है तो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? अब तो वो जानेंगे ना, हम लोग के साथ है तो ये बातें हुई, आपने पूछा ये? नहीं, समय उतना नहीं दिए, वो उन्होंने बहुत कम समय दिए, सीधे एक शब्द बोल के निकल गए कि हम समीक्षा करते हैं। तो आखिर समीक्षा से ग्रामीण चिकित्सक में संतुष्टि नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी, जब तक ग्रामीण चिकित्सक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक ये धरना गर्दनी बाग में जारी रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा। आप क्या कहेंगे? यही समीक्षा से हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम लोग को नोटिफिकेशन जारी करें, हम लोग तभी गर्दनी बाग छोड़ने वाले हैं। जब आप लोगों ने राजद प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, आप लोगों ने बताया कि 6 लाख आपकी संख्या है, आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी, कैसे करेंगे? यदि हम लोग को नोटिफिकेशन चुनाव से पहले निकाल देते हैं तो हम लोग सरकार के साथ हैं, नहीं तो उनके विरोध में जाने का काम करेंगे। सरकार का विरोध कीजिएगा? जी एकदम विरोध, पूरी तरह से विरोध करेंगे। और नीतीश कुमार को हम एक वर्ड से कहना चाहता हूँ कि काहे के तू कहला नीतीश जी कृष्ण मेमोरियल हॉल में और ग्रामीण चिकित्सक के लगेबो सरकारी समायोजन में सरकारी सेवा में, आज तक न कैला नीतीश सरकारी समायोजन, आ गद्दी पर से हटवा त फिर होतवा पछतावा। ए नीतीश जी और तेजस्वी जी सुना बतिया हमार नीतीश जी सीएम ऑफिस में न बैठा आ ग्रामीण चिकित्सक के समीक्षा करके जल्दी में समायोजन के बतिया करा और अति लेटर निकाल करके सब ग्रामीण चिकित्सक के अति सरकारी सेवा। आप लोग 30 सितंबर से आप लोग बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं, राजद प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, जगदानंद सिंह से मुलाकात की है, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुआ, आगे क्या रणनीति है, क्या कुछ कीजिएगा? हाँ करेंगे, अब करेंगे जदयू कार्यालय का घेराव करेंगे, जदयू पहुँचेंगे, जदयू से भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग पूरा आवास को मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को आवास को घेरेंगे, राबड़ी आवास को घेरेंगे, पूरे आवास को घेर कर हम लोग ग्रामीण चिकित्सक बता देंगे कि हम लोग में क्या ताकत है और अपने ताकत के बल से उनको से सरकारी सेवा का समायोजन लेंगे, और नहीं तो वो गद्दी पर से हट जाए, दूसरे सरकार आवेंगे तो उनसे हम लिया जाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी।
जिंदाबाद। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग उस दिन पहुंचे, अब आपके साथी कह रहे कि लड़ाई जारी रहेगी चाहे मौजूदा सरकार हो या जो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी, कैसे क्या कीजिएगा? हम लोग अभी तो हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से हम लोगों ने मांगों को रखा है और उन्होंने समीक्षा केवल करने के लिए कहा है। संतुष्ट हुए थे आप? समीक्षा से कितना संतुष्ट, हम लोग तो सांत्वना से ही अभी तक हम लोग काम चला रहे हैं और कितना दिन काम चलाएंगे, तो सांत्वना से अब काम नहीं चलेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन रेगुलर अब करेंगे ही और हम लोग अभी कुछ दिन के लिए स्थगित भी करेंगे, तो भी पर्व के बाद हम लोग फिर से धरना पे बैठेंगे और यहाँ तक कि अगर हम घेराव करना पड़ा विधानसभा का जदयू कार्यालय का तो वो भी हम लोग करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले अब नहीं हैं, सांत्वना से बहुत थक चुके हैं, अब हम लोग को लिखित प्रमाण पत्र चाहिए। ये बताइए कल से शीतकालीन सत्र भी चालू होने वाला है, आप लोगों की आवाज़ क्या विधानसभा तक पहुंचेगी? हाँ, विधानसभा तक पहुंचेगी। हम लोग जो भाजपा के जो हम लोग के विधायक हैं उनसे भी बात हुई है, संजीव चौरसिया है, नितिन नवीन जी है, वो लोग भी बात हम लोगों का उठाएंगे कि नहीं आप लोगों का जो मांग है जायज है और अभी तो हम लोग सरकार में है नहीं, लेकिन आपका हम बात उठाएंगे विधानसभा में, तो हम लोगों का बात उठाएंगे जी। तो देखा आपने जिस तरीके से तमाम जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन्होंने राजद प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, अब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, तमाम जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार 30 सितंबर 2023 से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और अब तमाम चिकित्सकों का कहना है कि अब सरकार अगर जो बात नहीं सुनेगी तो जदयू प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, तेजस्वी यादव के आवास का घेराव होगा। कल से शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है, शीतकालीन सत्र में भी विधानसभा में भी नेताओं के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दोबारा टाइम से बने रहे। पटना से साकेत कुमार।